नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम हैं आज हरियाणा भवन में। हरियाणा जो देश का एक छोटा लेकिन कई मोर्चों पर झंडे गाड़ने वाला राज्य है। इन दिनों हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी हैं। जीवन भर वो शिक्षक रहे लेकिन उनकी यादों का कारवां शुरू होता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में चंबल के बीहड़ों से सटे भिंड जिले के गढ़पारा गांव में 1 जुलाई 1939 को कप्तान सिंह सोलंकी का जन्म हुआ। परिवार की आमदनी खेती किसानी पर ही टिकी थी। बचपन संघर्ष में बीता। स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर तक पैदल जाते थे। पढ़ने में तेज थे और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्होंने जिले में प्रथम स्थान पाया। इंटरमीडिएट के बाद वो इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस कारण इंजीनियर नहीं बन पाए। विक्रम विश्वविद्यालय से एमए और बीएड करने के बाद अध्यापक के तौर पर करियर शुरू किया। 2002 में कप्तान सिंह सोलंकी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। बीजेपी में भी उन्होंने कई पदों की जिम्मेदारी संभाली। सोलंकी का मानना है कि सामाजिक मूल्यों के लिए व्यक्तित्व का निर्माण बहुत जरूरी है। 27 जुलाई 2014 को उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल का पद संभाला। राज्यसभा टीवी से बातचीत में कप्तान सिंह सोलंकी ने जिंदगी के कुछ पल बांटे। देश जब आजाद हुआ तब तो मेरा शैशव अवस्था ही थी, मात्र 8 वर्ष की उम्र थी। लेकिन मेरा जन्म एक ऐसे दूरवर्ती इंटीरियर गांव में हुआ था जहाँ कुछ वर्ष अगर छोड़ दें तो उस गांव में जाने के लिए जिस वाहन से जाते थे लौट करके उसकी सर्विस करानी पड़ती थी। इतना इंटीरियर में गांव था और इसलिए उस समय तो गांव की स्थिति ये थी कि किसानों को ये भी नहीं मालूम था कि किसका राज्य आ गया। लोकतंत्र के बारे में कोई ज़्यादा कल्पना नहीं होती थी और मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा कि उस समय क्या सोच था। लेकिन ये बात जरूर है कि पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान था और इसलिए हमने अपने गांव से ही 5वीं क्लास पास की। उसके पश्चात 10 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था जिसको लावन कहते हैं, वहाँ से मैंने 8वीं की परीक्षा पास की। 8वीं की परीक्षा बोर्ड होता था उस समय तो पूरे एक गांव से दूसरे गांव आपके पास साधन थे या पैदल जाना? पैदल जाते थे, 10 किलोमीटर रोजाना जाते थे हम, रोजाना लौट कर आते थे। लेकिन बरसात के दिनों में बीच में नाला पड़ता था इसलिए बरसात के दिनों में आना संभव नहीं था। तो उस समय एक गाँव के अंदर हमारे पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे उन्होंने ही हमको एक अपना मकान का हिस्सा दे दिया था, उसमें हम रहते थे। लेकिन वो दौर तो ऐसा था कि जब जो है बहुत ज़्यादा लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तरफ यानी परिवार का काम करने लग जाए, खेती हो रही है तो खेती करने लग जाए, किराने की दुकान है तो किराने की दुकान में बैठ जाए। नहीं, यही स्थिति तो थी। कैसे आपके परिवार में कैसे उस समय यही स्थिति थी जी। लेकिन 8वें तक तो पढ़ाते थे गाँव के अंदर, लेकिन हमारा तो ये था कि 8वां बोर्ड की परीक्षा जब पास की तो उसमें चूँकि परिणाम अच्छा आया, पूरे जिले के अंदर में प्रथम आया, तो घर के लोगों ने भी सोचा कि किसी भी कीमत पर अब इनकी पढ़ाई हम नहीं बंद करेंगे। तो इसलिए फिर मैं उस गांव से और जिला स्थान पर आया, वहां से हाई स्कूल पास किया। अच्छा, वो दौर ऐसा भी था कि जब आमतौर पर लोगों को या बच्चों को या युवकों को उतनी छूट नहीं होती थी अपने भविष्य को तय करने में कि कोई शिक्षक बनेगा या कोई फौज में जाएगा या कोई डॉक्टर बनेगा या कोई कहीं और जाएगा, तो आपको इतनी आज़ादी थी, आपने अपनी मर्जी से शिक्षा शिक्षक बनने का तय किया या आप कहीं और जाना चाहते थे और आप
नहीं, इंटरमीडिएट तक मेरी रेगुलर रूप से पढ़ाई की। इंटरमीडिएट की परीक्षा जब मैंने दी तो फिर उसमें भी परिणाम अच्छा था, प्रथम श्रेणी मैंने प्राप्त की थी। और साइंस और मैथमेटिक्स था मेरा। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए उस समय प्रवेश परीक्षा PET जिसे कहते हैं वो नहीं होती थी, सीधे इंटरमीडिएट का जो परिणाम रहता था उसी के आधार पर कॉलेज में एडमिशन होता था, और इसलिए ग्वालियर के अंदर इंजीनियरिंग के लिए मेरा एडमिशन हो गया था। तो उस समय तो सिर्फ यही मुझे लगता था कि एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि इंजीनियर के प्रति भूख उस समय भी रहती थी, देश में आवश्यकता भी थी। लेकिन घर की परिस्थिति के कारण मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सका और मुझे अध्यापक बनना पड़ा। एक बार मैं थोड़ा सा पीछे फिर आपको ले जाऊंगा। जैसे आपने कहा कि तू एक गांव से दूसरे गांव आपको जाना होता था, जो रहने की स्थितियां थी बहुत सामान्य नहीं थी, सुविधाएं भी नहीं थी। और अगर मैं याद करूं तो वो इलाका ऐसा था जो अरसे तक इतिहास में मतलब डाकू समस्या के कारण भी माना जाता था, चंबल के बीहड़ होते थे। क्या उस दिनों की याद है कि किस तरह का वो माहौल होता था, कैसे वो परिस्थितियाँ थी जिनमें वो डाकू समस्या लगातार बनी रही? उस समय डाकू समस्या बहुत भयंकर थी, बहुत बड़ी मात्रा में डाकू के ग्रोह थे, इधर उधर वो सब घूमते थे। मुझे तो ये भी याद है कि एक बार एक डाकू का ग्रोह जिसका मानसिंह नाम था, उनको मेरे बारे में पता लगा तो उन्होंने मुझे बुलवाया भी, और बुलवा करके मुझे ये भी कहा कि आप पढ़ाई अच्छी करिए, कोई मदद की ज़रूरत हो तो हम मदद करने को तैयार हैं। इसका मतलब जब डाकू मानसिंह ने आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया तो इसका अर्थ यह है कि वो उस समय जो आज़ादी के पहले का माहौल रहा होगा उस पर जो रॉबिनहुड वाली जो छवि उसकी है, क्या वो एकदम ठीक ठाक सी मानी जाती है कि वो? नहीं, वो डाकू था, ये बात सही है। पैसा वगैरह ये सब इधर उधर से प्राप्त करने की वो कोशिश करते होंगे, लेकिन वो मेरी जो धारणा है वो गरीबों के हितैषी थे, लेकिन कुल मिलाकर वो डाकू थे, कानून तोड़ करके और जंगल के अंदर गए थे, और इसलिए न्याय की दृष्टि से कानून की दृष्टि से तो अपराधी थे। आज तो डाकू नहीं रहे, लेकिन एक जो समस्या है, जो बीहड़ों वाली जो समस्या है, रिवाइंस की जो समस्या है, वो अभी भी बनी हुई है, उसके बारे में तरह तरह से वो अभी भी है। चंबल की घाटी, चंबल का बीहड़, चंबल की रिवाइंस ये आज भी विद्यमान है। और अब कभी जब मैं जाता हूँ तब सोचता हूँ क्या ये सारे के सारे बीहड़ को आधुनिक जो उपकरण हैं, बुलडोजर हैं और भी अन्य उपकरण हो सकते हैं, उनके माध्यम से चौरस करके इसको खेती के योग्य नहीं बनाया जा सकता क्या? आज भी मेरे दिमाग में ये बात आती है। आपने कई दशक तक शिक्षण का काम किया है, अध्यापन का काम किया है, आप उन दिनों को कैसे आप उनका मूल्यांकन करते हैं? वो दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे अध्यापक रहा, चाहे कॉलेज में प्रोफेसर रहा, विद्यार्थियों के अंदर मैं बहुत लोकप्रिय रहता था। कभी मैंने ट्यूशन नहीं की और गरीब विद्यार्थियों को सहयोग करने की हमेशा बात की, और आज भी मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब सफ़ेद वाले लोग मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि सर आपने मुझे कॉलेज में पढ़ाया था। अच्छा, इतना आपका सार्वजनिक जीवन रहा है, व्यस्तता भी खूब रही है, बाद में भी शिक्षक के बाद जब आप राजनीति में भी आए, जब खाली वक्त होता है, मिलता है कुछ, तो क्या करते हैं, क्या शौक हैं आपकी, दिलचस्पियां क्या हैं? वैसे तो अभी तक समय मिलता नहीं है, लेकिन 1975 में देश में आपातकाल लगा था तो 20 महीने मुझे जेल में रहना पड़ा। उस 20 महीने के कालखंड में चूंकि समय पर्याप्त था इसलिए मुझे जो कुछ पढ़ना था मैंने उसमें पढ़ा। बाद में संघ के शिविरों में, बौद्धिकों में जो कुछ सुना, और बाद में फिर स्थान स्थान पर खुद भी मैं जो कुछ बोलता रहा लोगों के सामने, वो ही पूंजी मेरे पास है। लेकिन खेलों का तो आपको शौक रहा है, कबड्डी और खो खो? तो खेलों को तो चूंकि मैं संघ की शाखा में गया हूँ इसलिए उसका शौक रहा, और कॉलेज में जो पहुँचा था तो विद्यार्थियों के साथ मैं कबड्डी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, वो तो शौक रहा है मुझे। आज लेकिन वॉलीबॉल है, कबड्डी है, इस तरह के खेलों का जिस तरह से प्रोत्साहन बाकी राज्यों में मिलना चाहिए, कुछ राज्यों में तो बड़ी अच्छी स्थिति है, इसलिए हम कबड्डी के विश्व चैंपियन भी है, लेकिन ऐसे खेल जिनसे शरीर बनता है, लंबे समय तक उसका असर शरीर में रहता है, उसकी कमी आई है। विद्यार्थियों को आजकल हम देखते हैं तो इतना ज़्यादा रहता है कि पूरे समय व्यस्त ही रहते हैं, खेल कूद करने का और ये करने का उनके पास समय नहीं रहता।
लेकिन उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा था कि आप राज्यपाल के जैसे एक शिखर पद पर पहुँचेंगे और अपनी सार्वजनिक जीवन की पारी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो आपका होगा ये? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने। वैसे मेरा जीवन विरोधाभास से भरा रहा है, जो मैंने सोचा था वो हुआ नहीं और जो नहीं सोचा था वो हुआ। यूं तो हरियाणा ने भारत के नक्शे में आज़ादी के काफ़ी बाद आकार लिया, लेकिन इतने थोड़े समय में हरियाणा के लोगों ने अपनी मेहनत के बदौलत देश में अपना एक ख़ास स्थान बनाया है। कप्तान सिंह सोलंकी का रिश्ता यूं तो सीधे तौर पर हरियाणा से नहीं रहा, लेकिन वो पड़ोसी राज्यों में उनका संपर्क ज़रूर व्यापक था। हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ। इससे पहले वो पंजाब का हिस्सा था। बीते 47 सालों में हरियाणा ने कई क्षेत्रों में शानदार मिसालें कायम की हैं। आकार में बेहद छोटा, लेकिन गेहूं के उत्पादन में बड़े बड़े राज्यों को मात करता है। बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो पंचरंगा अचार हरियाणा का जायका कई गुना बढ़ाता है। गुड़गांव और इसी तरह के अनेक इलाके इस राज्य को विकसित प्रदेशों की कतार में खड़ा करते हैं। हरियाणा के लोगों का साहस और शौर्य किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पानीपत और कुरुक्षेत्र दो ऐसे इलाके हैं जो हरियाणा को दुनिया के नक्शे में खास जगह दिलाते हैं। कुरुक्षेत्र कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का गवाह है और अर्जुन को कृष्ण के उपदेश गीता की शक्ल में देने के लिए जाना जाता है। पानीपत की धरती पर बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हिमू और मराठों और अफगानों के बीच दिल्ली की हुकूमत के लिए जंग भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यहाँ की लोक परंपराओं और संगीत का अपना अनूठा अंदाज है। हरियाणा के खेल और खिलाड़ियों ने दुनिया भर में धूम मचाई है। लंबे समय तक शिक्षक रहने के बाद कप्तान सिंह सोलंकी सार्वजनिक जीवन में आए। वो कहते हैं कि शिक्षा नीति पर गंभीरता से काम होना चाहिए। इसके लिए वो एक आयोग के गठन पर भी जोर देते हैं। राज्यसभा टीवी से बातचीत में कप्तान सिंह सोलंकी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया। हरियाणा में चुनौती जैसी कोई चीज नहीं है, समस्या जैसी कोई भी चीज नहीं है, लेकिन हरियाणा में संभावनाएं बहुत हैं और हरियाणा की संभावनाएं अगर ठीक से विकसित की जाती हैं तो पूरे देश के लिए वो अच्छी होंगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो दिल्ली के बोझ को कम कर सकता है। आप विश्वविद्यालयों के भी प्रमुख हैं, तो इससे आप क्या देखते हैं, वहाँ के शिक्षा के स्तर में कोई गुणात्मक सुधार कुछ आएगा या क्या आपका अनुभव रहा है? हरियाणा में जाकर के जो मैंने देखा कि शिक्षा की दृष्टि से हरियाणा एक अच्छा शिक्षा का एजुकेशन का हब हो सकता है। छोटा प्रदेश है लेकिन बहुत सारे 21 जिले हैं, लेकिन वहाँ पर औसतन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक जिले पर दो आती हैं। इन्हें प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी दोनों को अगर मिला लें तो 43 यूनिवर्सिटी। लेकिन कुछ छोटे राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ का अगर देखें तो पहला ये रहा है कि छोटा राज्य भले ही रहा, लेकिन अगर विश्वविद्यालयों की भरमार वहाँ हो जाए तो कई बार शिक्षा के स्तर को भी वो प्रभावित करते हैं। मतलब इससे मैं सहमत हूँ कि विश्वविद्यालय की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, उनका क्षेत्र निर्धारण होना चाहिए और ख़ासकर विश्वविद्यालय में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब जैसे हरियाणा से बहुत सारे खिलाड़ी निकलते हैं, छोटा सा राज्य है लेकिन खेल की सुविधाएं और वहाँ का जो माहौल है वो खेलों के लिए एकदम अनुकूल नहीं। उस दृष्टि से खेल देखेंगे तो हरियाणा कई बातों में नंबर एक पर है। स्पोर्ट्स के अंदर वो पूरे देश में नंबर एक पर है। अभी जाकर के मैंने वहाँ पर देखा तो जो राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे उन राष्ट्रमंडल के खेलों में जो 6 पदक जीते उन 6 पदक में देश ने उसमें से 4 पदक हरियाणा के थे। फिर ओलंपिक गेम्स के अंदर इन्होंने 64 पदक जीते हिंदुस्तान ने, तो इन 64 पदक में से 20 पदक हरियाणा के थे। और महिलाएं भी बराबर महिलाओं के क्षेत्र में भी जो जूनियर टीम है, महिला हॉकी टीम, जो जूनियर महिला हॉकी टीम पूरे देश की, इसने जो विश्व स्तर पर जो कांस्य पदक जीता था उस टीम के अंदर 6 बेटियां हरियाणा की हैं। तो इसलिए उसके क्षेत्र में तो हरियाणा बहुत आगे। अरसे तक हरियाणा कृषि उत्पादन में भी बहुत अव्वल रहा है, आगे रहा है, गेहूं उत्पादन में भी रहा है,
तो क्या वहाँ पे कोई कृषि विश्वविद्यालय या इस तरह के अनुसार, हालांकि हैं कुछ अभी कृषि विश्वविद्यालय तो है अभी, लेकिन इस कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो आजकल जो खेल कृषि के बारे में जो नई नई विधियाँ हैं, उन सारी नई विधियों का सृजन, उनके बारे में अनुसंधान, ये सब करके और उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। करनाल के अंदर भी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और वो तो अपने देश के अंदर सबसे अच्छी डेयरी के अंदर है। वहाँ पर जो पशुओं के बारे में, उनकी किस्मों के बारे में और नए नए प्रकार की जो प्रजातियाँ उनके बारे में करनाल का जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो नंबर एक का है। अच्छा, आपका रिश्ता राज्यसभा के साथ भी रहा है और आपने बहुत सारी समितियों के साथ काम भी में रहे हैं, आप आपका सलाह वो लेते रहे हैं, मार्गदर्शन आपका मिला है। एक दौर था जब देश की आबादी बहुत कम थी, चुनौतियां भी कम थी, समस्याएं भी कम थी, लेकिन संसद की जो बैठकें होती थी वो लंबे ही होती थी, मतलब साल में 5 महीने या 6 महीने तक एक ज़माने में हुआ करती थी, आज से काफ़ी पहले की बात करें तो। अब जो दौर है, आबादी बहुत बढ़ गई है, करीब करीब 2 गुनी हो गई है, समस्याएं बढ़ गई हैं, चुनौतियां बढ़ गई हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे भी आने लगे हैं जिन पर संसद और विधानसभाओं को चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लेकिन उनके दिन घटते जा रहे हैं, अब सदन की बैठकें कम होती हैं। तो आपको लगता है कि हरियाणा या उस इलाके में भी कुछ ऐसे हुआ है कि सदन की बैठकों पर जोर देने की ज़रूरत है, क्वालिटी ऑफ डिबेट्स पर जोर देने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, कम हुआ? देखिए, हरियाणा इस दृष्टि से जो आप पूछ रहे हैं कि सदन की जो बैठकें हैं, इस दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो हरियाणा भी वैसा ही है जैसा अन्य राज्य हैं, और इसको मैं थोड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और अधिक गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे भी एक और गंभीर चिंता का विषय है कि जो विधानसभाओं में या संसद में भी जो क्वालिटी ऑफ डिबेट होती थी, बहस होती थी, लंबी लंबी बहसें होती थी, लोग पढ़ के जाते थे, विधानसभाओं की लाइब्रेरी का अच्छा इस्तेमाल करते थे, संसद की लाइब्रेरी का अच्छा इस्तेमाल करते थे और मुद्दों पर बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के और अच्छी बहस देखने को मिलती थी, शायद वो कुछ अब लगता है कि कुछ कम होती नहीं, उसमें कमी आई है और वैसा वातावरण भी नहीं रहा है। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जब आप चुन करके आ जाते हैं और जब उसमें किसी भी विषय पर आपकी बहस होती है, उस समय आपको राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है सदन को ठीक तरह से चलाने के लिए, और सदन के अंदर जो कुछ होता है उसकी उपयोगिता समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। जब आप सांसद बन जाते हैं तो आप पूरे क्षेत्र के होते हैं, सांसद बनने के नाते जब सदन में जब आप बोलते हैं तो आप पूरे देश के लिए बोल रहे हैं, उस समय राजनीति से आपको ऊपर उठना चाहिए, दुर्भाग्य से ऐसा देखने को मिलता नहीं है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे देश में आबादी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, इसलिए जैसे विधायक चाहिए, जैसे सांसद चाहिए, जैसे राजनेता चाहिए, जैसे आईएएस चाहिए, जैसे आईपीएस चाहिए, देश के लिए आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसमें बहुत कमी है। तो सवाल यह है कि अगर हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, हमें अच्छे योग्य विधायक चाहिए, सांसद चाहिए, मंत्री चाहिए, नौकरशाह चाहिए, तो ये पहल कहाँ से हो? हमारा सिस्टम तो वही है जो पहले भी वही लोग प्रोड्यूस करते थे, जो उनको नियुक्ति या चुनाव करने वाली एजेंसियाँ थीं वो आज भी वही हैं, लेकिन अब अगर ये गुणवत्ता में कमी आ रही है तो ये चिंता की बात यह है कि कहाँ से इसकी शुरुआत तो इसकी हो, कौन पहली पहल तो जहाँ तक सांसद और विधायकों का विषय है, इसकी पहली पहल तो राजनीतिक दलों के माध्यम से होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल है वो काय के लिए है, उस राजनीतिक दल का कर्तव्य क्या है, उसका फर्ज क्या है, वो देश के लिए है कि सत्ता के लिए है? आज दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों के सामने देश नहीं है, सत्ता है। सत्ता को हम कैसे प्राप्त करें? चुनाव अगर आते हैं तो चुनाव हम कैसे जीतें? चुनाव आप काय के लिए जीत रहे हैं, देश के लिए आप क्या करने वाले हैं? ये जो पक्ष है जो बहुत ज़रूरी है वो गायब हो गया है। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक दलों को भी अगर आपको सुधारना है, ठीक रास्ते पर लाना है, तो जनता में पब्लिक ओपिनियन इतना अच्छा बनाओ कि राजनीतिक दलों को मिले लगे कि अगर हमको जनता का समर्थन प्राप्त करना है तो ऐसा बनना पड़ेगा। आज तो उल्टा हो रहा है, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए पब्लिक को वैसा बना रहे हैं, ये तो बड़ा खतरनाक संकेत। हाँ, उल्टा होना चाहिए, पब्लिक ऐसी होनी चाहिए जो ये तय करवाए राजनीतिक दलों से, आप ऐसा बनो तो चल पाओगे, नहीं तो हम तुमको रिजेक्ट कर देंगे।
वैसे तो सारी उम्र कप्तान सिंह सोलंकी की छवि एक आदर्श शिक्षक की रही है। उनके संस्कारों में गुरु शिष्य परंपरा का बोध आज भी होता है, लेकिन अपने सांस्कृतिक और शैक्षणिक सरोकारों को लेकर उन्होंने राज्यसभा टेलीविजन से विस्तार से बात की। लंबे समय तक शिक्षक रहने के बाद कप्तान सिंह सोलंकी सार्वजनिक जीवन में आए। वो कहते हैं कि शिक्षा नीति पर गंभीरता से काम होना चाहिए। इसके लिए वो एक आयोग के गठन पर भी जोर देते हैं। राज्यसभा टीवी से बातचीत में कप्तान सिंह सोलंकी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया। कोई भी बालक जब पढ़ता है, विद्यार्थी के नाते, शिष्य के नाते, तो वो जो अवस्था है उसकी, जिसको खासकर हम टीन एज कहते हैं, ये अवस्था ऐसी है जिसको हम फॉर्मेटिव एज कहते हैं। उसका जीवन बनता है, उसके जीवन का उद्देश्य बनता है, उसका व्यवहार बनता है, उसका सोचने का ढंग बनता है। और इसलिए उस काल में विद्यार्थी शिष्य के रूप में गुरु को अपना हीरो मानता है, टीचर को अपना हीरो मानता है। तो जो आज की स्थिति है उसमें जो गिरावट आई है, उसके लिए क्या हमारे पास शिक्षकों की कमी है उस तरह के? नहीं, शिक्षकों की कमी नहीं है, उस तरह का वातावरण नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हम विशुद्ध रूप से अब भौतिकवादी हो गए, पैसा प्रमुख हो गया है, हम स्वार्थी हो गए। तो कुल मिलाकर के समाज की जो संस्कृति में बदला आया है, जो भौतिकवादी संस्कृति आई है, हम अपने मूल्यों को भूल गए। लेकिन अब आज वातावरण का दोष है और उसका असर अब शिक्षा के ऊपर भी है। आप ठीक शिक्षा कभी व्यवसायीकरण हो सकता है शिक्षा का? कितना बड़ा दुर्भाग्य देश का। ये तो नागरिकों को तैयार करती है, ये तो शिक्षा व्यक्ति निर्मात्री है। जैसे आपके शिक्षा के माध्यम से नागरिक तैयार होंगे, आखिर देश का भविष्य वो ही गढ़ेंगे। तो अगर शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप विचार करेंगे तो ये वातावरण का परिणाम है। लेकिन देखिए, व्यवसायीकरण की का जो स्थान बनाया वो किसने बनाया? क्योंकि सरकार ने कहा कि जी हम तो इतने स्कूल नहीं खोल सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने स्कूल और कॉलेज खोलने शुरू किए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने शुरू किए। अब जब प्राइवेट सेक्टर पैसे लगाता है तो वो पैसा फ़ायदा कमाना भी चाहेगा, और वही हुआ है कि आज देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज देख लें, मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट सेक्टर के आ रहे हैं, हो सकता है कि गुणवत्ता के मान से वो अच्छे भी हों, लेकिन पहला उद्देश्य तो उनको कमाना है। नहीं, ये जो शिक्षा आबादी बढ़ने के साथ साथ शिक्षा का दायरा भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्कूल्स कॉलेजेज आपको चलाने पड़ेंगे। लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेज जो भी चलाने पड़ेंगे, उस स्कूल्स और कॉलेजेज में पढ़ाया क्या जा रहा है, उसका पाठ्यक्रम कैसा है, अध्यापक कैसे हैं, उनका सोचने का ढंग क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, जिसको हम शिक्षा नीति कहते हैं, वो शिक्षा की नीति राष्ट्र की नीति के हिसाब से बननी चाहिए। अब उसमें देखें दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि हमारे यहाँ जो सामाजिक विविधता है, अलग अलग रीति रिवाजों के, धर्मों के, जात पात के लोगों को मानने वाले जो हैं, परंपराओं के लोग हैं, राज्यों का अलग अपना एक शिक्षा का ढांचा है जो राज्यों की सूची में शामिल है, केंद्र का अपना अलग शिक्षा का ढांचा है। तो अगर ये सरकार की तरफ से हो तो फिर केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय और तालमेल की भी वैसी ही ज़रूरत है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, अपना फेडरल स्ट्रक्चर जो है, जिसमें राज्यों को अधिकार अलग दिए हुए हैं, केंद्र के भी अधिकार अलग हैं, कुछ समवर्ती सूची भी है राज्य और केंद्र को मिलाकर होती है, वो तो बहुत अच्छा संविधान है। अपने देश का लोकतंत्र, अपने देश का प्रजातंत्र, इससे अच्छी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं हो सकती है। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हमारी नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। हम लोगों ने अपने बचपन में पाठ्य पुस्तकों में जो जिनके बारे में पढ़ा, आज मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे जो है उन पाठ्यक्रमों में उनकी वो कहानियाँ नदारद हैं, नए विषय आ गए हैं और वो सीधे सीधे रोज़गार से जोड़ते हैं, पेट से जोड़ते हैं। तो बच्चों की दिलचस्पी इस बात में है कि उनको पहले रोज़गार मिले, पहले उनको नौकरी मिले। तो कहीं ना कहीं एक नियंत्रण करने वाली एजेंसी, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन पाठ्यक्रमों पर एक कंट्रोल। नहीं, वो मैं वही बात कह रहा था कि पाठ्यक्रम, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय के पढ़ाने वाले टीचर, इन सब के लिए कोई न कोई एक व्यवस्था सरकार ने बनानी चाहिए। देश स्वतंत्र होने के बाद ये मांग अब तक होती रही है। महात्मा गांधी ने मांग की, स्वामी विवेकानंद ने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, सब ने अपने देश की शिक्षा नीति के बारे में कहा। और
कई आयोग भी बने, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग बना, मुदालियर कमीशन बना, कोठारी कमीशन बना, ये सब बने आयोग। लेकिन आज भी देश की जो शिक्षा नीति है वो एकांगी है, वो सिर्फ भौतिकवादी है, वो सिर्फ धंधा कैसे मिल सकता है उसी को तैयार करती है, लेकिन आदमी को तैयार नहीं करती। आदमी को तैयार करना, संस्कारित करना, राष्ट्र की भक्ति जगाना, ये अलग अलग चीज़ है। और रोजगार परक शिक्षा तैयार करना जिससे आपको रोजगार मिलेगा वो अलग चीज़ है। वो पक्ष भी जरूरी है, लेकिन वो पक्ष ज़्यादा जरूरी है। वो जो दूसरा पक्ष है जिसमें से व्यक्ति तैयार होता है, तो इसमें वो गायब है। बाधा कहाँ है? जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो राष्ट्रीय महापुरुष थे पुराने, वो चाहते थे कमीशन आयोग बने, उनकी सिफारिशों में भी ये बातें आई हैं, लेकिन फिर वो लागू क्यों नहीं हो पाई? क्या चीज़ रही कि जो अभी भी आज लागू इसलिए नहीं होती, जहाँ तक मुझे लगता है कि देश की शिक्षा नीति अभी भी राजनीतिक तय करते हैं। देश की शिक्षा नीति राजनीतिक तय नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिज्ञों का सोच होना चाहिए लेकिन वो राष्ट्रीय अभी नहीं है। और इसलिए अब देश के अंदर एक मांग उठने लगी है कि देश की जो शिक्षा नीति है, देश के जो अध्यापक हैं, देश का जो पाठ्यक्रम है, पूरी शिक्षा की व्यवस्था का जो नियंत्रण है, ये बजाय राजनयिकों के हाथ में होने के समाज शिक्षाविदों के हाथ में होना चाहिए। एक स्वतंत्र आयोग बनना चाहिए राष्ट्र में, जो स्वतंत्र आयोग इस बात का विचार करेगा कि हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होगी। सरकार बदलते ही शिक्षा नीति बदलती है, तो ये अगर होता है तो क्या सरकार बदल गई है? राष्ट्र तो नहीं बदला, राष्ट्र के मूल्य तो नहीं बदले। राष्ट्र में किस तरह के लोग हमको आगे शिक्षा के माध्यम से तैयार करना है, ये क्या दृष्टिकोण बदल गया सरकार बदलते ही? लेकिन अब तो लगता है कि शिक्षा की जो हमारी टकसाल है वो इतनी प्रदूषित हो गई है कि जो हमारे ऐसे जो सिक्के ढल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही मिलावटी सिक्के हैं। एक ही पक्ष है उसमें बस, के व्यक्ति के अंदर किसी तरह से जो लॉर्ड मेघालय ने कहा था उसको पढ़ना लिखना सिखा दो और उसकी मानसिकता ऐसी तैयार कर दो कि देखने में तो वो हिंदुस्तानी है लेकिन वास्तव में सारा सोच उसका पाश्चात्य है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की जो शिक्षा है वो भी पढ़ करके जब विद्यार्थी निकलता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे एक चौराहे पर अंधा व्यक्ति खड़ा है और उसको समझ में नहीं आ रहा किधर जाए। सब तरफ से आवाज़ आ रही है वाहनों की और उसे रास्ता ही नहीं सूझ रहा। आज कॉलेज से पढ़कर निकलने वाला व्यक्ति आकर उपयोगी दिखता है क्या? उपयोगी नहीं दिखता। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो देश में इस समय हाल के वर्षों में जो निकल के आए भ्रष्टाचार से दुखी ना हो। क्या ये इतना निराश करने वाली स्थिति है? क्या लाइलाज बीमारी है ये कि ख़त्म नहीं होगा ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जो इसका रूप हो गया है? नहीं, अभी जो वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति में तो ऐसा ही लगता है। और इसलिए चलती भाषा में लोग कहते भी हैं कि आज की परिस्थिति में करप्शन हमारे खून में आ गया है, हम बिना इसके कोई काम करा नहीं सकते। लेकिन बात ठीक ये कि भ्रष्टाचार मिटाने में सरकार और समाज दोनों की तरफ से ये एफर्ट्स होने चाहिए। ये एफर्ट्स होना चाहिए लेकिन कानून से काम नहीं होगा। ये मन के अंदर, व्यक्ति के मन के अंदर ये उसका एक संकल्प जगाना पड़ेगा। आज भी ऐसा नहीं है कि हर एक लोग भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते, लेकिन ये भाव अगर आपके मन में जगता है कि नहीं पूरा समाज हमारा अपना है, ये भाव जगाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ और है इसमें आवश्यक है कि जो व्यक्ति करप्शन करता है, रिश्वत लेता है, शोषण करता है, अन्याय करता है, समाज के मन में एक ऐसा भाव जगना चाहिए कि व्यक्ति हीन है, ये अधम है, इसको हम सम्मान नहीं देंगे। राजनीतिक दल ये तय कर लेंगे जो भी ये करता है उसको हम टिकट नहीं देंगे, और संपूर्ण समाज का वोटर ये तय कर ले कि ऐसा आदमी जो भी करता है उसको हम वोट नहीं देंगे। ये दूसरी चीज़ है जो बहुत आवश्यक है। तो ये थी हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से राज्यसभा टेलीविजन की बातचीत। अगले एपिसोड में चलेंगे फिर किसी नए राज्य में और मिलेंगे वहाँ के महामहिम राज्यपाल से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।